अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इंतहाई मुकद्दस जगह की सैर करवाएंगे, जिसके बारे में सभी लोग जानते होंगे, जिस पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब की सैर करवाएंगे, इसके मुकद्दस मकामात का भी विज़िट करवाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर अब तक की तमाम तारीख से भी आगाह करेंगे। हालिया में सऊदी अरब में बनाए जाने वाले मंदिर के मुतल्लिक भी मालूमात जानी जाएंगी, जिसकी तमीर के बाद सऊदी अरब को काफ़ी मुश्किलात का भी सामना रहा। तो वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसे एंड तक लाजमी देखें और मेरी सभी नए आने वाले दोस्तों से भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचाई जा सके। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज करते हैं। सऊदी अरब जो दुनिया का जजीरा नुमा सबसे बड़ा मुल्क है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क का कुल रकबा 22,17,949 मरबा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये 12वें नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क की सरहदें मगरब में बहरा अहमर से मिलती हैं, शुमाल में ओर्दन, इराक और कुवैत से, मशरक में खलीज फारस, कतर और मुतहदा अरब अमारात से, जबकि जनूब मशरक में ओमान और जनूब में यमन से मिलती है। इस मुल्क के सबसे मुकद्दस शहर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ है। पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमान मक्का शरीफ मौजूद खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं, और मदीना शरीफ के साथ तमाम मुसलमानों का तलक इश्क, जज्बात, मोहब्बत, इज्जत और एहतराम पर मुबनी है। मस्जिद नबवी में आकर दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है, जिसको देखकर मुसलमानों की आंखों से बेपनाह साख्ता आंसू आ जाते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की दलील है। सऊदी अरब का ज्यादातर हिस्सा खुश्क रेगिस्तान और पहाड़ों पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब की कौमी जबान अरबी है, और इसके अलावा उर्दू, हिंदी और बंगाली जबान भी यहाँ पर बोली जाती है। अगर हम तारीख पर बात करें तो सऊदी अरब की तारीख भी दूसरे तमाम ममालिक की तरह इंतहाई पुरानी है। इसके तारीख दो हिस्सों पर मुहित है, एक इस्लाम से पहले की जिंदगी और दूसरी इस्लाम के बाद की जिंदगी। बुद्ध परस्तों के दौर में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरजमीन मक्का में कुरैश के खानदान बनू हाशिम कबीले में बनू अब्दुल मुत्तलिब के घर इनके बेटे अब्दुल्ला के हाथे दीन इस्लाम के लिए पैदा फरमाया। इस दौर में मक्का वही जगह थी जिसे आज का मक्का कहा जाता है, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से यसरत की तरफ हिजरत की तो इस सरजमीन पर चार चांद लगा दिए, जिसे आज का मदीना कहा जाता है, और नजद वही जगह है जिसे आज रियाज के नाम से भी जाना जाता है। मक्का और मदीना जिस सरजमीन पर आते हैं इसको हजाज कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के हमराह जब मक्का को फतह किया तो इस सरजमीन पर इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद 632 ईस्वी से लेकर 661 ईस्वी तक के दौर को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। ये मुसलमानों की वो सल्तनत थी जिसमें मुसलमानों ने इस्लाम को मिस्र, शाम, फलस्तीन, इराक और ईरान तक फैलाया। ये दौर इस वजह से भी ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि ये निज़ाम हुकूमत कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर थी। खिलाफत राशिदा के बाद उमिया हुकूमत का दौर आया। ये हुकूमत 661 ईस्वी से 750 ईस्वी तक बरकरार रही। मुसलमानों के इस दौर में इस्लाम की जड़ें चीन से स्पेन तक फैल गई। इसके बाद इस सरजमीन पर आबासी हुकूमत का आगाज हुआ, जो 750 ईस्वी से 1258 ईस्वी तक रही। इस दौर में इस्लाम ने बहुत तरक्की की, दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम फैल रहा था, लेकिन इस सल्तनत का भी खात्मा हो गया। इस सल्तनत में नामूर हुक्मरान हारून और रशीद थे। सल्तनत अबासी के बाद अयूबी सल्तनत का दौर आया, जिसमें नामूर बहादुर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी थे। सुल्तान की फात के बाद सल्तनत का जवाल शुरू हो गया। 1258 से 1517 ईस्वी तक हजाज ममलूक के कब्जे में रहा। इसके बाद हजाज सल्तनत उस्मानी के कब्जे में आ गया। सऊदी अरब दुनिया का वाहद मुल्क है जिसका नाम एक हुक्मरान के नाम से रखा गया। सऊदी अरब का जहूर 17वीं सदी के वस्त में अरब के वस्त से शुरू हुआ, जब मोहम्मद बिन सऊद और मारूफ इस्लामी शख्सियत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब दोनों मिलकर एक नई सियासी ताकत के तौर पर उभरे थे। सल्तनत उस्मानिया के दौर में नजद के इलाकों में सऊद खानदान का कंट्रोल हो चुका था। तारीख ने सऊद खानदान को एक डाकू और बदमाश के तौर पर एक खानदान से मुतरादफ करवाया था, जबकि अब्दुल वहाब की बदौलत वहाबी फुरका वजूद में आया। 19वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया अपने जवाल का शिकार हुई। इस अर्ज में सऊद खानदान के अब्दुल अजीज ने नजद के अलावा हजाज के इन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया, जिसमें मक्का मदीना जैसे शहर आते थे। अब्दुल बिन सऊद की ताकत में इस तरह भी इजाफा हुआ कि इसने सल्तनत उस्मानिया के बाद तमाम बाअसर कबीलों के सरदारों की बेटियों से शादी कर ली। आज के इस खानदान की तादाद 25,000 के करीब है। 1920 में तुर्कों ने मुहादा किया जिसमें हजाज का अमन अमान कायम रखने का वादा किया गया था, और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा कमाल ने आज़ाद रियासत का ऐलान कर दिया। 1925 में हजाज को तुर्कों से अलग कर दिया गया। इसके बादशाह अब्दुल अजीज को मुकर्रर कर दिया गया। 1927 में जद्दा में बरतानवी हुकूमत ने अब्दुल अजीज की बादशाहत को तस्लीम कर लिया। 1932 में हुकूमत बरतानिया की रजामंदी से अब्दुल अजीज ने हजाज और नजद का नाम तब्दील करके ममलकत सऊदी अरब रख दिया। मार्च 1938 में इस मुल्क में तेल दरियाफ्त हुआ, जिसने मुल्की माशरत को काफी सहारा दिया और हर तरफ खुशहाली का दौर रहा।
24 नवंबर 1945 को सऊदी अरब ने अक्वामे मुत्तहिदा की रुकनियत हासिल कर ली। 21 जनवरी 1992 को सऊदी अरब का बाकायदा आइन मंजूर किया गया, जिसमें यह वादा किया गया कि सबसे पहले सऊद खानदान की हुकूमत हमेशा कायम रहेगी, मुल्क में कोई सियासी जमात नहीं और ना ही इंतखाबात किए जाते हैं। इसके अलावा मुहतरम नाज़रीन, सऊदी अरब में चलने वाली करेंसी रियाल है, जो आज के दिन पाकिस्तानी 73.92 रुपए के बराबर है और इंडियन 22.29 रुपए के बराबर है। सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है, एक तरह से कहा जाए तो भाई मुल्क भी है। सऊदी अरब पाकिस्तान के हर मुश्किल में काम आता है। पाकिस्तान में जलजिले से मुल्क नुकसान हो या सैलाब से सऊदी अरब हर दफ़ा पाकिस्तान की अच्छी मदद करता है। सऊदी अरब दुनिया का वाहद मुल्क है जहां पर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 35 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम है, जो हर साल 15 अरब रुपए से ज़ायद की रकम पाकिस्तान में बेचते हैं। पाकिस्तान से तकरीबन हर दूसरे घर का फर्द सऊदी अरब में रोजी के हसूल के खातर गया हुआ है। मौजूद दोस्तों, आपके इलम में इजाफा करता चलूँ कि सऊदी अरब में ऑनलाइन रकम अदा करके भी जानवर का गोश्त गरीब गुरबा में तकसीम किया जाता है। ये एक मखसूस रकम होती है जो डॉलर, रियाल या किसी भी करेंसी में अदा की जाती है। आप बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा जानवर जीबा करवा कर भी इसे गरीबों में तकसीम कर सकते हैं, और वो भी कर बैठे। ये सिलसिला पिछले 10 सालों से चलता आ रहा है। गोश्त को सऊदी अरब बहरी जहाज़ों के जरिए गैर मुल्कों को देता है। गोश्त को स्टोर करने के लिए सऊदी अरब में बड़े बड़े स्लॉटर्स भी कायम किए गए हैं, जहाँ आप अपने किसी भी जानवर को जीबा करवा सकते हैं, गोश्त को कटवा कर हासिल कर सकते हैं। हर जानवर की कटाई मुख्तलिफ रेट की होती है। मुल्क में 8% लोग स्लॉटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुद जीबा करने से मुल्क में गंदगी फैलती है और ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर फाइन भी हो सकता है। हर साल ऑनलाइन कुर्बानी सर्विस के जरिए करोड़ों जानवर को जीबा किया जाता है। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी खजूर मंडी भी लगती है। पूरे अरब से लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से खजूर खरीदते हैं, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और पूरी दुनिया से जाने वाले मुसलमान जो उमरा या हज के लिए जाते हैं, एक कसीर तादाद में खजूरें खरीदते हैं। सऊदी अरब अपनी खजूरों को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। सऊदी अरब में KFC मैकडोनल्ड से भी ज्यादा खरीदे जाने वाली फास्ट फूड कंपनी है, जिसे अल्लाबी के नाम से पकारा जाता है। सऊदी अरब लोग गैस की हद तक पसंद करते हैं, मुल्की और गैर मुल्की लाइनों में लगकर खाना खाते हैं। सऊदी अरब उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ 50% से भी ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र लोगों पर मुश्तमल है, इसलिए इसे कम आबादी वाला मुल्क भी कहा जाता है। ये मुल्क खलीज तावन तंजीम, अकवामी मुत्तहिदा और इस्लाम तावन तंजीम का रुकन भी है। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाज शहर है, जो इसका सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। इस शहर का कुल रकबा 1973 मरबा किलोमीटर है। ये शहर सतह समंदर से 600 मीटर यानी 2000 फीट ऊंचा है। हर साल 50 लाख के करीब गैर मुल्की सियाह इस शहर का विजिट करने के लिए भी आते हैं, जिस हिसाब से दुनिया के 39वें सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहर में शुमार होता है। इस शहर की कुल आबादी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख लोगों पर मुश्तमल है, जिस हिसाब से यह सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर और मशरक की वस्ती का तीसरा सबसे बड़ा शहर और एशिया का 78वां सबसे बड़ा आबादी वाला शहर होने का एजाज रखता है। 1932 में इस शहर को सऊदी अरब का दारुल हुकूमत बनाया गया। रियाज सऊदी अरब का सियासी और इंतजामी मरकज भी माना जाता है। यह शहर बहुत से बैंकों, बड़ी कंपनियों के हेड क्वार्टर का मरकज भी है, जैसा कि सऊदी इंटरनेशनल बैंक भी इसी शहर में मौजूद है। इसके अलावा मोहतरम नाज़रीन, सऊदी अरब की माशियत का दारोमदार पेट्रोल और गैस पर है। हर साल खरबों लीटर पेट्रोल ऑयल सऊदी अरब दूसरे मुल्कों को सेल करता है और खरबों रियाल की कमाई करता है। इसके बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। हर साल करोड़ों लोग आज उमरा करने के लिए या गैर मुस्लिम लोग मुल्क का विजिट करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की होती है। करोड़ों रियाल की आमदनी टूरिस्ट इंडस्ट्री से आती है। इसके अलावा सऊदी अरब अपनी खजूर और जैतून को पूरी दुनिया में भी फरोख्त करता है। इसके अलावा सऊदी अरब में हाल ही में बनाए जाने वाले मंदिर के बारे में मालूम जानते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात बड़ी बेनियाज है, और जब इंसान अपनी हदूद को क्रॉस करने लगता है तो अल्लाह ताला इनके लिए कोई ना कोई वार्निंग जरूर देता है। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमान और खास तौर पर मुसलमान हुकूमत शदीद बेहयाई, बेगैरती और बेज़मीरी का शिकार है। अगर हमारे साथ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ना होती तो अब तक तमाम के तमाम मुसलमान सफा हस्ती से मिट जाते। सऊदी अरब में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया है। ये काम सरकारी सरपरस्ती में हुआ है। इस सिलसिले में हिंदुस्तान के वज़ीरे आज़म मोदी को भी इन्वाइट किया गया, जिसने 14 फरवरी को इस मंदिर का इफ्तिताह किया था। ये एक इंतहाई गिरी हुई हरकत है, और इसकी वादा निशानी सऊदी अरब में अजाब की शक्ल में नाजल भी हो चुकी है। अल्लाह ताला की जानब से सऊदी अरब में ऐसा अजाब नाजल हुआ जिसने वहां के तमाम निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया। जहां पर पिछले कई सालों से बारिश ना हुई, वहां पर सऊदी अरब को शदीद बारिश का सामना करना पड़ा और तूफानी बारिशों का भी सामना हुआ, और लोग बुलंद आवाज़ में कलमा तैयबा पढ़ने लगे और अल्लाह ताला से दुआएं करने लगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुस्लिम हुक्मरानों को हदायत नसीब फरमाए और फलस्तीन के मुसलमानों की भी गैबी मदद फरमाए। आमीन। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी आज की सऊदी अरब के मुतल्लिक भी इंतहाई दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी इसका आज़ार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और ऐसी मालूमात के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चले। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।